सोलन में प्रमोटर्स ऑफ सोशल कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा हिमाचल गॉट टैलेंट ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत किक बॉक्सिंग संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्रमोहन शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वर्गों में प्रदेश भर से आए करीब 200 कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। सोलन में प्रमोटर्स ऑफ सोशल कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा हिमाचल गॉट टैलेंट ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय किक बॉक्सिंग संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्रमोहन शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वर्गों में प्रदेश भर से आए करीबन 200 कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। नृत्य और योगा पर आधारित विभिन्न आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्हें देखकर दर्शक दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए और कलाकारों ने खूब बाबाही लूटी। इस मौके पर भारतीय किक बॉक्सिंग संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्रमोहन शर्मा ने कहा कि हिमाचल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी है तो केवल इन प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने वालों की, लेकिन प्रमोटर्स ऑफ सोशल कल्चर हेरिटेज संस्था इस कमी को पूरा कर रही है। ये संस्था पिछले काफी वर्षों से कलाकारों को मंच प्रदान करने में लगी है, जिससे छुपी हुई प्रतिभाओं को अपनी कला दिखाने का मौका मिल रहा है। इसलिए वे चाहते हैं कि और भी संस्थाएं कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए आगे आनी चाहिए, ताकि हिमाचल का कलाकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का लोहा मनवा सके। मेरा नाम चंद्रमोहन शर्मा है, मैं वर्तमान में वॉक इंडिया किकबॉक्सिंग फेडरेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, हिमाचल प्रदेश रेसलिंग का प्रेसिडेंट हूँ, हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल का मेंबर हूँ, हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी में सदस्य हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। प्रमोटर्स ऑफ सोशल एंड कल्चर हेरिटेज हिमाचल द्वारा आयोजित इस हिमाचल गॉट टैलेंट प्रतियोगिता में आने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं पूरी इनकी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे हिमाचल में किसी तरह की जो प्रतिभाएं हैं उनकी कमी नहीं है, लेकिन जो कमी है वो प्रतिभाओं को ढूंढने वालों की है। हमारे बच्चे जिस तरह के माहौल में पैदा हुए हैं, जिस तरह की शुद्ध वायु में ये बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, अगर इनको प्लेटफॉर्म दिया जाए तो हमारे ये बच्चे हिमाचल में नहीं, भारत में नहीं, विश्व में हिमाचल का नाम लेके जा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं, मैं चाहता हूं कि वो काम करें, हमारे बच्चों को प्लेटफॉर्म दें, ताकि हमारे बच्चे हिमाचल का नाम दुनिया के मानचित्र पर लेके जाएं।